अमेरिका में जब लोगों की टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तब वो मार्केट से जाकर नया टूथपेस्ट ले आते हैं। और जापान में जब लोगों के टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो वो लोग एक्स्ट्रा टूथपेस्ट स्टॉक में रखते हैं। और इंडिया में जब लोगों के टूथपेस्ट खत्म हो जाता है ये है इंडिया वालों की देसी जुगाड़। अमेरिका में जब कोई आईफोन लेता है और वो अपने दोस्तों से मिलता है तो उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि आपने इतना महंगा मोबाइल कैसे लिया, तो वो बताते हैं कि उनका जॉब में प्रमोशन हुआ है तो इस वजह से उन्होंने नया फोन लिया। और फिर उनके दोस्त कहते हैं कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू फोन। और जब कोई इंडिया में आईफोन लेता है और अपने दोस्तों से मिलता है तो उसके दोस्त पूछते हैं भाई आखिर तुमने इतना महंगा मोबाइल लिया कैसे, और तब वो फिर और फिर उनके दोस्त कहते हैं भाई संभाल के यूज करना आखिर किडनी का सवाल है। अमेरिका में जब लोग चिप्स खाते हैं एंड जब उनके चिप्स का पैकेट खत्म हो जाता है तो वो अपने चिप्स के पैकेट को जाके डस्टबिन में फेंक देते हैं। और जापान के लोग जब चिप्स खाते हैं एंड उनका चिप्स का पैकेट खत्म हो जाता है तो वो अपने चिप्स के पैकेट को रिसाइकल मशीन में डालते हैं एंड फिर जब उनका वो कचरा रिसाइकल बिन में जाने के बाद रिसाइकल्ड हो जाता है तो फिर उनको उनका रिसाइकल्ड आइटम मिल जाता है। और इंडिया में जब लोग चिप्स खाते हैं और जब इंडिया वालों की चिप्स खत्म हो जाती है तो वो लोग उसका चूरा और मसाला भी चाट चाट के खा जाते हैं और फिर कहते हैं अरे यार इसमें तो सिर्फ हवा ही भरी थी, चिप्स तो दो तीन ही देते हैं लोग। अमेरिका में जब लोगों के सॉस का पैकेट खत्म हो जाता है oh, no. तो वो लोग मार्केट से जाके सॉस का नया पैकेट ले आते हैं। और जब जापान में लोगों के यहाँ सॉस खत्म हो जाती है तो वो लोग एक्स्ट्रा पैकेट स्टॉक में स्टोर करके रखते हैं। और जब इंडिया में लोगों के यहाँ सॉस का पैकेट खत्म हो जाता है ये है इंडिया वालों की देसी जुगाड़। अमेरिका में जब बच्चों को नींद नहीं आती है तो उनकी मम्मियां उन्हें स्लीपिंग म्यूजिक लगाकर सुला देती है। जापान में जब बच्चों को नींद नहीं आती है उनकी मम्मियां उन्हें गैजेट देकर छोड़ देती हैं। फिर बच्चे थोड़ी देर गैजेट यूज करने के बाद खुद ही सो जाते हैं। और जब इंडिया में बच्चों को नींद नहीं आती है तो उनकी मम्मियां अमेरिका में जब भाई बहन झगड़ते हैं तो
तो उनके पेरेंट्स उन्हें समझाकर उनकी दोस्ती करा देते हैं। और जापान में जब भाई बहन झगड़ते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगली बार से ऐसा मत करना। और इंडिया में जब भाई बहन झगड़ते हैं तब उनकी मम्मियां एक बच्चे की जम के पिटाई कर देती हैं। तो दूसरा वाला अपने आप सीधा हो जाता है। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अमेरिका में जब मम्मियां बच्चों को सुलाने आती हैं तब वो उनसे उनका फोन लेती हैं और उन्हें गुड नाइट कहती हैं। और जापान में जब मम्मियां बच्चों को सुलाने आती हैं तो वो बच्चों से फोन लेती हैं और उन्हें कहती हैं कि लाओ आप मुझे अपना फोन दे दो, मैं उसे चार्जिंग पे लगा देती हूँ और अब सो जाओ। फिर बच्चे सो जाते हैं। और जब इंडिया में मम्मी बच्चों को सुलाने आती हैं तो वो बच्चों से कहती हैं ये फोन मुझे दे दे नहीं तो तेरे फोन में आग लगा दूंगी आग। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अमेरिका में जब लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तब वो अपना फेवरेट फूड सर्च करते हैं एंड उसे ऑर्डर करते हैं। और जब जापान में लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो वो सबसे पहले रेस्टोरेंट्स की रेटिंग चेक करते हैं एंड रिव्यूज देखते हैं और फिर उसके बाद अपना फूड ऑर्डर करते हैं। और जब इंडिया में लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो वो ना ही अपना फेवरेट फूड सर्च करते हैं और ना ही होटल की रेटिंग देखते हैं, वो सिर्फ मेन्यू में प्राइस लिस्ट देखते हैं एंड सबसे सस्ता वाला ऑर्डर कर देते हैं। एक बार अमेरिका से एक बच्चा भारत घूमने आया, उसने यहाँ एक समोसा खाया। वह समोसा उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वह एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहाँ जाकर अपने एक वैज्ञानिक अंकल से पूछा, अंकल ये समोसा है ऊपर से तो मैदे का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा होगा। वो अंकल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपना सर खुजाकर एक डब्बा खोला और उस डब्बे से उन्होंने जलेबी निकालकर बोला, 20 साल पहले यहाँ से एक बच्चा भारत गया था, उसने ये जलेबी खाई थी और ये अभी ऊपर से मैदे की है। मैं आज तक पता नहीं लगा पाया कि इसके अंदर चीनी कैसे भरी होगी। और एक और समस्या ले आया। एक पप्पू नाम का बच्चा था, वह हमेशा आलस करता रहता था, जो काम आज करना है उसे दूसरे दिन पर टाल देता था। इस बात से उसकी मम्मी बहुत परेशान थी। एक दिन उन्हें उसे बुलाया और इस बात के लिए समझाया और पप्पू इस बात को समझ गया और उसने प्रॉमिस किया अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक दिन उसके स्कूल से फोन आया, प्रिंसिपल ने कहा, बेटा तुमने जो सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था उसका गिफ्ट लेने स्कूल में आज ही आना है। और उस बच्चे ने इतना सीरियसली नहीं लिया और वो फिर पहले की तरह आलस करके सो गया। जब वह दूसरे दिन स्कूल पहुंचा अपना गिफ्ट लेने तब वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसने क्या देखा, उसको जो गिफ्ट मिला था उसमें स्पाइडरमैन मूवी की टिकट्स थी और वह उसी दिन की थी जो दिन उसने गंवा दिया था। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, टाइम इज एवरीथिंग। जब अमेरिका में बच्चे कहीं बाहर जाते हैं ओके मॉम आई एम लीविंग फॉर कनाडा ओके बाय टेक केयर सर, तो उनकी मम्मियां उनसे गले मिलकर एंड अच्छे से बाय बाय बोल के उन्हें अलविदा करती हैं एंड उन्हें बेस्ट विशेस देती हैं। और जापान में जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनकी मम्मियां उनसे ये पूछती हैं,
तो उनकी मम्मियां उन्हें फिर अलविदा करती हैं एंड फिर बच्चे एकदम खुशी खुशी जाते हैं। और जब इंडिया में बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, मम्मी मैं जा रहा हूँ, मेरी सारी पैकिंग हो गई है। अरे बेटा थेपले तो ले जा। तो उनकी मम्मियों को उनके डॉक्यूमेंट और उनकी सेफ जर्नी से ज्यादा खाने की ही चिंता लगी रहती है। रुक रुक, ये थेपले तो ले जा। मम्मी यार बैग में जगह नहीं बची, बैग फुल। तो बेटा ले जा यार, रस्ते में भूख तो लगेगी ना बेटा, ले लो। अरे अरे अरे।